हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, स्टैटिक वीडियो सीरीज का आज हमारा पार्ट 7 करने वाले हैं, जो SSCCHSL और सीजीएल 2020 के लिए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली सीरीज चल रही है हमारी, CHSL और सीजीएल 2020 वालों के लिए। ठीक है, और 6 स्टेट में करा चुका हूँ, आज 7वां स्टेट है, गुजरात स्टेट है, जिसमें हम पूरा SSC स्पेसिफिक और SSC फोकस्ड हम करा रहे हैं, जिसमें हम टेम्पल्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फोक डांसेस, ट्राइब्स, रीजनल फेस्टिवल, यूनेस्को साइट्स, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, लोकसभा राज्यसभा सीट्स, बहुत कुछ जो भी SSC में पिछले 2-3 साल में स्पेसिफिकली फोकस किया जा रहा है, बस वही पूछ हम इसमें करा रहे हैं। इसके अलावा PDF भी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, और टेलीग्राम पर आप जाके पहले 6 स्टेट्स की शायद मैंने डाल दी हैं, वो आपको मिल जाएंगी वहाँ पर, और ये भी मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रहेगी ये सीरीज पूरी, आपके सारे मैं SSC CGL और CHSL के एग्जाम से पहले पूरे सारे स्टेट्स और UTs की मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये कमिटमेंट है, ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों। तो आज जो हमारा स्टेट है जी, वो गुजरात है, और गुजरात फॉर्म हुआ था 1 मई 1960 को। ठीक है दोस्तों, इसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है, बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है, और ये है गांधीनगर। ठीक है, गांधी जी गुजरात के थे तो कैपिटल गांधीनगर। ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती और हिंदी, दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं स्टेट की। अगर हाँ स्टेट के कुछ उनकी बात करें तो गवर्नर जो हैं आचार्य देवव्रत जी हैं गुजरात के, चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी हैं, BJP के हैं। लेजिस्लेचर की टोटल 182 सीट हैं गुजरात में, और पार्लियामेंट की सीट की बात करें तो राज्यसभा की 11 सीट हैं गुजरात में, और लोकसभा की 26 सीट हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत SSC में पूछे जाने लगा पिछले कुछ दिनों से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। राज्यसभा 11 सीट गुजरात में, लोकसभा 26 सीट, आई होप आप याद रखोगे। इसके अलावा ये गवर्नर वगैरह, बट ये है कि ये चेंज होते रहते हैं, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है इनको याद करना, पर फिर भी क्या करूँगा मैं, जब CHSL और CGL के एग्जाम आने वाले होंगे तो एक स्पेसिफिकल वीडियो इसमें सारे स्टेट्स के गवर्नर में करा दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये बॉर्डर गुजरात एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, वो पाकिस्तान से करता है, और ये यहाँ पर करता है, ये आप देख सकते हैं, ये इस हिस्से में ये पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। और जो स्टेट वाइज नेशनल बॉर्डर शेयर करता है, वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से करता है। इसके अलावा UTs हैं, जिसमें दादरा नगर हवेली और दमन दीव से करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें स्टेट्स की मैं दिखा देता हूँ, देखो ये राजस्थान हो गया ये वाला हिस्सा, ये मध्य प्रदेश हो गया, और ये महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, और जो UTs हैं वो यहाँ आएँ, वो अभी देख नहीं पा रहे यहाँ पर, बट मैं बता देता। ठीक है, तो स्टेट्स आप याद रखोगे किस किस से ये बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से। इसके अलावा कुछ स्टेट सिम्बल्स हैं इसके, एम्बलम कुछ गुजरात का ऐसा है, आप देख सकते हैं। सॉन्ग है जय जय गरावी गुजरात, ये नरमाड जी ने लिखा है। ठीक है, जय जय गरावी गुजरात। कैलेंडर सख कैलेंडर यूज किया जाता है, यहाँ का जो राज्य का एनिमल है वो एशियाटिक लॉयन है, ये खतरनाक सा यही है एनिमल। ठीक है, इसके अलावा बर्ड की बात करें तो ग्रेट फ्लेमिंगो यहाँ की स्टेट बर्ड है, ये कुछ ऐसी दिखती है। फ्लावर की बात करें तो गेंदा का फूल, जिसे मैरीगोल्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में। फल की बात करें तो आम यहाँ का राज्य का फल है। और पौधा की बात करें तो बनियान ट्री, ये यहाँ का पौधा है राज्य का। ठीक है दोस्तों, गुजरात कुछ फेमस है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए, जैसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है साल्ट और ग्राउंडनट का। साल्ट मतलब नमक और मूँगफली, इन दोनों का हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन गुजरात करता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का भी, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसको जेवल ऑफ वेस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है। तो कॉटन, नमक और मूंगफली, इनका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे इंडिया में गुजरात, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ सिटीज़ हैं गुजरात की जो बहुत फेमस हैं, जिसमें अहमदाबाद है, अहमदाबाद को बोस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, या सिटी ऑफ ब्रिज और टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो सूरत बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है गुजरात की, और इसको तीन डायमंड सिटी, सिटी ऑफ ब्रिजेस और टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ रीजनल फेस्टिवल हैं गुजरात के, बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल फेस्टिवल हैं, जिसमें इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये SSC में हर बार पूछा जाता है, और ये इसके आने के अब आगे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अभी पूछते रहते हैं इसकी थीम क्या थी, कहाँ पर हुआ, कब से हुआ, ये कई सारी चीज़ें पूछते रहते हैं। तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मोधेरा डांस फेस्टिवल भी इंपॉर्टेंट है। कच्छ महोत्सव आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, ये भी आप जानते हैं। कच्छ तो वैसे भी गुजरात से आपको याद रख सकते हैं, तो इसको दिक्कत नहीं होगी आपको याद रखने में, मोधेरा और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को याद करने में दिक्कत होगी, इसीलिए स्पेसिफिक फोकस किया।
भावनाथ महादेव फेयर है और सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल है, ठीक है, भद्र पूर्णिमा फेयर है, ये भी है। इसके अलावा फोक डांसेस, बहुत इंपॉर्टेंट फोक डांस है और ये कम से कम नहीं तो एसएससी के हर साल एग्जाम में आता है, ये है गरबा, गुजरात का गरबा बहुत फेमस डांस है, आई होप आप इसे याद रखोगे, ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट याद हो गई। इसके अलावा कुछ जीआई टैग्स हैं, बहुत फेमस जीआई टैग्स हैं, जिसमें संखेड़ा फर्नीचर है, अगेट्स ऑफ कॉम्बे है, कच्छ की एम्ब्रॉयडरी है, मतलब कपड़े पे वो डिजाइन वजाइन बनाते हैं, वो कच्छ की है, तंगालिया सॉल है, सूरत जारी क्राफ्ट है, गिर केसराम है, और भालिया वीट है, और पटोला ऑफ पाटन है, इसमें पटोला ऑफ पाटन आप याद रख सकते हो, ठीक है दोस्तों, ठीक है ये काफ़ी। इसके अलावा ट्राइब्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं और ट्राइब्स आपको याद रखनी बड़ी ज़रूरी है, जिसमें भावचा ट्राइब्स आप जरूर याद रखें, बमचा भावचा ट्राइब्स ये कई बार पूछी जा चुकी है, भरवाड़ भील और चरण भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बरदा भी आप याद रख सकते हो, बट भावचा या बमचा ट्राइब मत भूलना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा नेशनल पार्क्स हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, गिर नेशनल पार्क्स, जहाँ पे आपको गिर के एशियाटिक लॉयन भी मिलते हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गिर नेशनल पार्क, और ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये नहीं कि एसएससी में पूछा जाता है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसके अलावा वंसदा नेशनल पार्क है नवसारी में, मरीन नेशनल पार्क है कच्छ में, ये इंपॉर्टेंट है मरीन, और ब्लैक बक नेशनल पार्क है भावनगर में, ठीक है। गिर नेशनल पार्क बहुत पूछा हुआ, ये आप मत भूलिएगा किसी भी हालत में। बर्ड सेंचुरीज की बात करी जाए तो इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कच्छ की बस्टर्ड बर्ड सेंचुरी है और नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, ये नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। गगा बर्ड सेंचुरी है, खिजादिया बर्ड सेंचुरी है, पोरबंदर बर्ड सेंचुरी है, बट एसएससी के काम की है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं गुजरात में, बट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है और वो है गिर और गिरनार, ये दो आपको जरूर याद रखिएगा, बाकी मैंने पूरी लिस्ट दे दी है। इसके अलावा नाल सरोवर आप याद रख सकते हो, ये बर्ड सेंचुरी भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है, नाल सरोवर, गिर और गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को साइट, यहाँ पर तीन यूनेस्को साइट्स हैं गुजरात में, जिसमें एक पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है, रानी की वाव है, और अहमदाबाद सिटी है। अहमदाबाद सिटी को भी हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, इसीलिए अहमदाबाद सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सिटी ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा एक सिटी और है इंडिया में जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, और वो आपको कमेंट करके बताना कि कौन सा सिटी है। इसके अलावा सिर्फ दो, इंडिया में दो सिटीज़ को दिया गया, ठीक है, तो ये तीनों हैं और ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की वीडियो आई गई होगी, आपने देखी ली होगी, उसमें मैंने पूरी 38 की 38 करा दी हैं, ठीक है दोस्तों। एसएससी के लिए जितना मैं कराता जा रहा हूँ ना, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की बिल्कुल आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, उतना कर लिया अगर आपने तो, इससे बढ़िया और इससे ज़्यादा बाहर आ नहीं सकता, इतना करा रहा हूँ मैं आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टेंपल्स की बात करें तो इसमें सोमनाथ टेंपल्स, ये बता, ये कितनी बार आपको देखने को मिल जाएगा, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, कितनी बार मिलेगा आपको ये सोमनाथ टेंपल। इसके अलावा द्वारका जगत टेंपल है और ये है, और सन टेंपल है, बट आपको सोमनाथ टेंपल याद रखना, ये एसएससी के काम का यही टेंपल है जो एसएससी में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। टाइगर रिजर्व, देखिए कमाल की बात यह है इसमें कोई टाइगर रिजर्व नहीं है इस स्टेट में, हालांकि गिर के जो लॉयंस हैं वो इतने फेमस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। गिर किस लिए फेमस है? लॉयंस के लिए, एशियाटिक लॉयंस के लिए। आगे बढ़ते हैं, रिवर्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स बहती हैं, जिसमें नर्मदा है, सरस्वती है, बनास है, तापी है, साबरमती है, भगावो है, और दमन गंगा है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ बहती हैं, जिसमें आप इनके ये यहाँ पे ओरिजिन्स हैं हर एक नदी के। तो नर्मदा कहाँ से ओरिजिन करती है? वो अमरकंटक प्लेट्यू से करती है। सरस्वती नदी अरावली माउंटेन से करती है, बनास नदी भी अरावली से करती है, तापी सतपुड़ा रेंज से करती है, और साबरमती देवहार लेक से करती है, ठीक है। साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, याद है गांधी जी के लिए जो गाना है, तो वो देवहार लेक से निकलती है। ये ओरिजिन्स आप याद करते चलिए, मैं आपका यहाँ पर एक ज्योग्राफी भी कराते चल रहा हूँ जो जो एसएससी के काम का है, आई होप आप ये कम मेहनत करके करते रहें। इसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इसमें, और आपको जो याद करनी है एसएससी के लिए वो ये है नारायण सरोवर लेक, ये याद रखनी है। इसके अलावा और आपको एसएससी में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बट मैंने जो भी हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करा दिए, बट इसमें भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट, जो आप याद करना आपके लिए मस्ट है वो मैं यहाँ पर हाईलाइट करता चलता हूँ, ठीक है दोस्तों।
तो ये जरूर याद रखिएगा, नारायण सरोवर लेक। इसके अलावा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डैम है, सरदार सरोवर डैम कितनी बार पूछा हुआ है एसएससी में, मैं भी नहीं गिन सकता, और ये नर्मदा नदी पे है। ठीक है, कई बार ये पूछ लेते हैं सरदार सरोवर डैम कहाँ, और कई बार ये पूछ लेते हैं किस रिवर पे पड़ता है, किस रिवर पे बनाया गया, तो ये नर्मदा रिवर पे बनाया गया, ये भी मैं आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, दांतीवाड़ा डैम बनास रिवर पे बनाया गया। उकाई डैम, ये भी बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, उकाई डैम तापी रिवर पे बनाया हुआ है, और धरोई डैम साबरमती रिवर पे बनाया हुआ है, और धोलीराजा डैम भगावो रिवर पे बनाया हुआ है। आप ये दो जरूर याद रखिएगा, सरदार सरोवर डैम और उकाई डैम। ठीक है, सरदार सरोवर डैम नर्मदा पे है और उकाई डैम तापी पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों दोस्तों, बहुत बहुत पूछे गए हैं ये, प्लीज़ मत भूलिएगा। इसके अलावा फेमस प्लेसेस हैं कुछ, जिसमें आप भुज आपने देखा ही होगा, कच्छ है, लोथल है, लोथल ये कहाँ पर पड़ता है, एंशिएंट इंडिया में है, आपने देखा होगा। ठीक है, आप बताइएगा कमेंट करके कहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ हॉर्स से रिलेटेड है, कुछ हॉर्स के कुछ पाए गए थे यहाँ पर, बताइएगा। इसके अलावा सतपुड़ा हिल स्टेशन है, द्वारका है, जूनागढ़ है, और पाटन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेमस प्लेसेस हैं। एयरपोर्ट सीरीज जो है एसएससी पिछले दो साल से बहुत ज़्यादा पूछ रही है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है, ये अहमदाबाद में पड़ता है। देखिए, हम ग्रेट्स के नाम पे जो हैं हमारे देश में, सारे एयरपोर्ट्स करा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन एसएससी जानती है, एसएससी इसलिए खेलती हुई बच्चों से, वो ग्रेट्स के नाम लेके पूछते हैं, जो जैसे है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है, एक वो है, तो वो पूछे हैं, और आप यकीन मानो उठा के देख लीजिए 2019 का सीएचएसएल का और सीजल 18 का इनके पेपर, उनमें मिल जाएंगे क्वेश्चन ऐसे, वो पूछ लेंगे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कौन सा है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये लेके चल रहा हूँ, तो इसमें अहमदाबाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण का भी करा दिया मैंने, स्वामी विवेकानंद का भी करा दिया, और अभी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भी जहाँ पे भी कोई भी आएंगे वो कराते चलूँगा। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है कमेंट करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है वो। इसके अलावा अभी हाल ही में करंट अफेयर की न्यूज है, मोटेरा स्टेडियम ये कहाँ पे, कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैंने करंट अफेयर्स में कराया हुआ है, और टेलीग्राम पे भी ये डाला हुआ था मैंने, आई होप आपको याद होगा, इसका नाम बदल के रख दिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये करंट अफेयर की न्यूज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोटेरा स्टेडियम कहाँ है ये कमेंट करके बताना है, वैसे आपको पता होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं, तैयारी करते रहिए, देखिए मेहनत करते रहिए, आपकी स्टैटिक सीरीज में पूरी जिम्मेदारी ली है, तो पूरी स्टैटिक जीके आपकी मैं करा दूंगा, करंट अफेयर्स में करा दूंगा, इतना कर लिया। इसके अलावा मैं और भी बता ही चुका हूँ आपको, पॉलिटी में क्या करना है और हिस्ट्री में क्या करना है, सारा मैं आपको बता चुका हूँ, उतना कर लेंगे, वो वीडियो आप देखेंगे पूरे, मैं गारंटी दे रहा हूँ 30+ स्कोर हर किसी का आएगा, जो इसको सीरियस एस्पिरेंट है ना, 30+ जीके में हर कोई खिलाएगा, 40+ भी ला सकते हैं, जो अगर लगभग साथ में रहा सब कुछ ठीक रहा तो बहुत अच्छा स्कोर आप ले आएंगे। बाकी आप अपना पढ़ते रहिए, हर एक उसकी चाहे मैथ की हो इंग्लिश की हो, सारी स्ट्रेटजी वगैरह मैं डाल चुका हूँ, करने के तरीके बता चुका हूँ। ठीक है, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी आपके ले चुका हूँ, पूरी हेल्प करने की। बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, किसी भी टॉपिक या इशू में दिक्कत हो आप टेलीग्राम पे या नीचे कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी मुझे आप बता सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी दोस्तों। ठीक है, चलो मिलेंगे दोस्तों फिर अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक टाटा बाय बाय।